हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट लेट डेल ए इक्वल्स दिस गिवन डिटरमिनेंट, शो दैट समेशन ए इक्वल्स टू 1 टू एन डेल ए इक्वल्स सी दैट बिलोंग्स टू कांस्टेंट। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक डिटरमिनेंट गिवन है और ये समेशन ऑफ द डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू 1 टू एन, ये हमें प्रूफ करना है कि ये कांस्टेंट के इक्वल आएगा। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो कुछ समेशन वैल्यूज होंगी। जैसा कि हम जानते हैं समेशन ऑफ एन जो है, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, वो इक्वल होता है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। सिमिलरली समेशन ऑफ एन स्क्वायर, इट मींस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो ये होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स। सिमिलरली समेशन ऑफ एन क्यूब जो है, ये होता है एन इंटू एन प्लस वन, दोनों का स्क्वायर आएगा, बाय फोर। और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भी यहाँ पर यूज होगी इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। बच्चों, सबसे पहले हम लोग जो डिटरमिनेंट हमें गिवन है डेल ए, इसके अंदर हम लोग समेशन लगा देंगे। तो समेशन ए इक्वल्स टू वन टू एन हमें लेना था डेल ए, तो ये बनेगा डिटरमिनेंट में जहां जहां ए है वहां हम लोग समेशन लगा लेंगे। सो समेशन ए इक्वल्स टू वन टू एन ए माइनस वन, देन समेशन a इक्वल्स टू वन टू एन ए माइनस वन होल स्क्वायर, देन समेशन a इक्वल्स टू वन टू एन ए माइनस वन होल क्यूब, n टू एन स्क्वायर, थ्री एन क्यूब, देन सिक्स फोर एन माइनस टू, देन 3n स्क्वायर माइनस 3n। तो ये हमारा डिटरमिनेंट बनेगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो डेल जो ये समेशन है अपना, ये बन जाएगा समेशन a इक्वल्स टू 1 टू n डेल a इक्वल्स डिटरमिनेंट ऑफ, अब देखिए सबसे पहला जो समेशन है 1 टू n a माइनस 1 है, तो a की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, देन टू पुट करेंगे तो वन आएगा, आखिरी में एन पुट करेंगे तो एन माइनस वन आएगा। यानी ये पहले एन माइनस वन नेचुरल नंबर का सम है, तो एन इंटू एन प्लस वन बाय टू वाले में फॉर्मूले में हम लोग एन की जगह एन माइनस वन रख लेंगे, तो ये बनेगा एन माइनस वन टाइम्स एन माइनस वन प्लस वन बाय टू। उसके बाद इधर ये एन और फिर इधर आखिरी में सिक्स। सिमिलरली a माइनस वन होल स्क्वायर, ये भी जो है पहले n माइनस वन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, तो उस केस में वो बन जाएगा n माइनस वन इंटू एन माइनस वन प्लस वन, देन टू टाइम्स n माइनस वन प्लस वन बाय सिक्स। और इधर आ जाएगा ये टू एन स्क्वायर, ये आ जाएगा फोर एन माइनस टू, और देन क्यूब्स आएगा पहले एन माइनस वन नेचुरल नंबर का क्यूब, तो वो आ जाएगा एन माइनस वन का स्क्वायर टाइम्स एन माइनस वन प्लस वन का होल स्क्वायर बाय फोर, और ये आ गया थ्री एन क्यूब, और ये आ जाएगा थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री एन। ये कुछ सिंप्लीफाई हो गया, तो ये बना डिटर्मिनेंट ऑफ एन इंटू एन माइनस वन बाय टू एन सिक्स, ये बना अपने पास एन इंटू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन बाय सिक्स, 2n square 4n minus 2,
और आखिरी जो रो है वो बनेगी एन स्क्वायर टाइम्स एन माइनस वन का होल स्क्वायर बाय 4 3n³ 3n² - 3n। अब हम लोग इसके अंदर से कॉमन ले लेंगे जो जो टर्म्स हमें कॉमन मिल रही है। देखिए अगर हम ध्यान से, फर्स्ट कॉलम से हमें n इंटू एन माइनस वन कॉमन मिल रहा है और सेकेंड कॉलम से n कॉमन मिल रहा है। सो टेकिंग कॉमन फैक्टर्स आउट ऑफ द डिटर्मिनेंट, तो जो हमारा समेशन a इक्वल्स टू 1 टू n डेल a था वो कुछ ऐसा बनेगा n स्क्वायर टाइम्स n माइनस 1 और बाय 2 भी हम लोग कॉमन लेंगे। सो बाय 2 कॉमन आ जाएगा, डिटर्मिनेंट में अपने पास बचेगा 1 1 6 देन 2n माइनस 1 बाय 3 2n 4n माइनस 2 और यहां बचेगा n इंटू n माइनस 1 बाय 2 3n स्क्वायर 3n स्क्वायर माइनस 3n। तो ये डिटरमिनेंट हमें बन गया। अब हम लोग 6 जो है इसमें से हम लोग और देख सकते हैं n कॉमन आ रहा है थर्ड रो से तो वो हम लोग कॉमन लेंगे। उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में 2 है यहां पर, तो डिनोमिनेटर जो ये 2 है अपने पास तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे हम लोग 2 से ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। सिमिलरली थर्ड जो सेकेंड रो है उसमें भी एक एलिमेंट के अंदर 3 डिनोमिनेटर है तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो n सबसे पहले हम कॉमन ले तो ये n क्यूब बनेगा, n माइनस 1 अपॉन 2 था अपने पास, 3 हम लोग बाहर डिवाइड करेंगे सेकेंड रो से और थर्ड रो से 2, सो 3 टू जा 6 बाहर आएगा और पहले से 2 है तो ये बन गया 12। डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बनेगा ये देखिए 1 1 6 ये बन जाएगा 2n माइनस 1 क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 कैंसिल, 2n को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n, इसको 3 से करेंगे तो 2n 12n माइनस 6। सेम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई होगा और n कॉमन ले लिया हमने तो n माइनस 1 बचेगा, ये बचेगा 6n और ये बचेगा 6n माइनस 6। ये डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई हो गया। अब हम एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग C3 के अंदर हमें दिख रहा है C3 माइनस 6 टाइम्स C1 करेंगे तो पूरा का पूरा थर्ड कॉलम जो है वो जीरो बन जाएगा। तो समेशन A इक्वल्स टू 1 टू N डेल A, ये जो अपना डिटरमिनेंट है ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा। बाहर अपने पास मिलेगा N क्यूब इंटू N माइनस 1 बाय 12, डिटरमिनेंट में पहला कॉलम 1 2n माइनस 1 n माइनस 1 देन 1 6n 6n और थर्ड कॉलम के तीनों एलिमेंट्स जो है वो क्या बन गए, तीनों एलिमेंट जीरो, यानी कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, विच इज अ कांस्टेंट नंबर। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। सो हेंस वी हैव proved that summation a equals to 1 to n del a, this equals some constant c, where c जो है उसकी value क्या मिल रही है हमें, 0 मिल रही है। I hope you have understood it well. Best of luck.